स्टूडेंट्स मो नाम अछि सरोज राउत मु तुम इंग्लिश टीचर आज पढ़ा क्लास सिक्स इंग्लिश रो गोटे पोएम जार ना हूँ द क्राब एंड द फॉक्स। क्राब क्राब कहिले कौन बुझुच क्राब कहिले कंकड़ा फॉक्स कहिले गधिया गोटे कंकड़ा आउ गधियार कहानी एटि पढ़ा। इट वाज ए वेरी कूल नाइट थंडा राती थिला एंड देयर वाज नो क्राब इन साइट। थंडा राती थिला आउ किछि कंकड़ा देखा जाऊ नथिला। द फॉक्स लुक्ड फॉर वन गधिया गोटे कंकड़ा खोजुथला खाइबा पाई से भोकिला थिला बट देयर वाज नन किंतु किछि भी कंकड़ा सेठी नथिले। वेयर डिड दे गो ता मन को प्रश्न आसिला गधियार मन को सब कंकड़ा गुड़ा कुआडे गले। नॉट इवन वन इन साइट साइट माने देखा जीवा दृश्यमान हवा गोटे भी कंकड़ा देखा जाऊ ना का मन को प्रश्न आसूची गधिया मन को प्रश्न आसूची। दे मस्ट बी इन देयर होल्स इफ आई एम राइट गधिया कहूँ से माने तांको होल रे थिले थिबे। होल माने कौन गात कंकड़ा माने गातरे रुहंती से कहूँ दे मस्ट बी इन देयर होल्स से माने निश्चित रूपे तांको गातरे थिबे। इफ आई एम राइट जदि मु ठीक भाव जानी ताहले कंकड़ा माने तांको गातरे थिबे। थिंकिंग सो ही गॉट रेडी सही कथा भाविकी से प्रस्तुत हला रेडी माने प्रस्तुत हवा। द हंगर टू मेड हिम ग्रीडी हंगर हंगर कहले कौन भोकिला तार भोको टू मेड हिम ग्रीडी तार भोको ताकु ग्रीडी करदेला। ग्रीडी माने कौन ग्रीडी माने होची लोभी जेहेतु ताकु बहुत भोको लागुथला ताकु बसी लोभ लागिला कौथि पई कंकड़ा खाइबा पई। टू गो इन सर्च ऑफ ए क्राब होल टू गो इन सर्च ऑफ ए क्राब होल माने से कौन कंकड़ा गात खोजा चेष्टा कला सर्च माने खोजा। एंड ही स्ट्रेटेन्ड हिज टेल लाइक ए पोल से कौन कला कंकड़ा गात पाकु गला आउ तार लांज को स्ट्रेट कला प्रायतः गधिया मानकर लांज बंका थाए से कौन कला ता लांज को सीधा कला कौथि पई गातरे पुरेबा पई। एंड ही स्ट्रेटेन्ड हिज टेल लाइक ए पोल तुम्हें इलेक्ट्रिक पोल देखिथ सीधा थाए सेमिति गधिया कौन कला तार बंका लांज को सीधा करी गात भितर कंकड़ा गात भितर भर्ती कला। इनसाइड द होल हिज बुसी टेल ही पुस्ट बुसी टेल माने कौन बुसी टेल माने माने झांपुरा झांपुरा तार लांज तार झांपुरा लांज को कौटी भर्ती कला कंकड़ा गात भितर। दि क्राब हि थट इट्स स्लाइटली मिस्ड से भाविला बोधे कंकड़ाटा मो लांज को देखी पारुनी कारण कंकड़ा भावे कौन ता गातर जदि कौन जिनस भर्ती है ताकू लगे कौन खाद्य जिनस आसी से कंकड़ा माने कौन करती जदि कौन शिकारी तार लांज को से गातरे भर्ती करे ताहले कंकड़ा माने से टाणी धरती खाद्य भाविकीतापुर कौन हुए द क्राब ही थॉट इट्स स्लाइटली मिस्ड से भावे गधिया जे तार लांज को बोध हुए कंकड़ाटा धरी पारुनी। ही वेटेड लॉन्ग फॉर ए स्वीट पूल से कौन कला ही वेटेड माने अपेक्षा कला वेटेड माने अपेक्षा कला लॉन्ग अधिक समय धरी ता लांज को गात भीतर रखिकी अधिक समय धरी अपेक्षा कला। फॉर ए स्वीट पूल जेतेबेले कंकड़ा तार लांज को धरदेब से भिड़ी आणव त लांज फल कंकड़ाटा बाहर को पलै आसब बट फर लॉन्ग देयर वाज नॉन एट ऑल किंतु बहुत समय से वेट कला ता लांज को गातरे भर्ती करी किंतु कंकड़ा ता लांज को धरला नाही। तापरे फाइनाली ही पुल्ड आउट हिज टेल कौन हैला जे बहुत समय धरिकी गधिया कंकड़ा गात भितर ता लांजटा को रखी थिला किंतु तापरे से काढ़ी आणला काढ़ी आनला पर कौन हैला बट द क्राब वाज इनसाइड ही कुड स्मेल गधिया को बासना आसुला कंकड़ार गधिया जाणीला जो गात भितर से लांज पुरेची से लांज भितर कंकड़ा अच्छी बोली से जाणीला कौन है सो ही चेंज हिज प्लान एंड कॉल्ड ब्रदर क्राब
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଲାଞ୍ଜ ପୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଗାତରେ କଙ୍କଡ଼ା ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା। କ'ଣ କଲା? ସେ ଶେଷରେ ଡାକିଲା, ବ୍ରଦର କ୍ରାବ୍। ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଲା, କେମିତି ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବ ବୋଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କ'ଣ ତାକୁ କହିଲା? ଲେଟ୍ ସମ୍ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହାଫ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଗଧିଆ କଙ୍କଡ଼ାକୁ? କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରକୁ ଆସେ, ଆମେ ନାଚିବା ଆଉ ଗାଇବା। ଦି ୱେଦର କଲ୍ସ ଫର୍ ସଚ୍ ମେରି ମେକିଂ। ମେରି ମେକିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଖୁସି ମନେଇବା। ଦି ୱେଦର, ୱେଦର ମାନେ ପାଗ। ସେ କହୁଛି ପାଗ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯେ ପାଗ କହୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଆସ ଆମେ ମଜା ମସ୍ତି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ବୋଲି। କିଏ କହିଲା? ଗଧିଆ କହିଲା ଗାତ ଭିତରେ ଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ। ଦି କ୍ରାବ୍ ୱେଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। ଦି କ୍ରାବ୍, କଙ୍କଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଗଧିଆର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଦି ଫକ୍ସ ରିଅଲ୍ ମୁଡ୍। ଗଧିଆର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କଙ୍କଡ଼ା ଜାଣିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଥଟ୍ ହି ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଫୁଲ୍। କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ ଭିତରେ ରହିକି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ କ'ଣ ବୋକା ଯେ ଗଧିଆ କଥାରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବି। ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ହୋଲ୍। ତାପରେ ଗାତ ଭିତରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାହାକୁ? ଗଧିଆକୁ। କ'ଣ କହିଲା? ହୁ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କିଏ ଗୀତ ଗାଇବ ଆଉ ନାଚିବ? ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେଦର କୁଲ୍, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବ ଆଉ ନାଚିବ? ଆଇ ୱିଲ୍ ରାଦର୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍। କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା ଗଧିଆକୁ, ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମୋ ଗାତ ଭିତରେ ରହିକି ଖାଇବି ଆଉ ଶୋଇବି। ଇନ୍ ମାଇ କୋଜି ଲିଟିଲ୍ ହୋଲ୍। କୋଜି ମାନେ କ'ଣ? କୋଜି ମାନେ ଆରାମଦାୟକ। ମୋ ଗାତ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଶୋଇବି ଆଉ ମଜା ମସ୍ତି କରିବି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେମିତି କାହିଁକି କହିଲା? କାରଣ ସେ ଗଧିଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ଗଧିଆ ଛଳନା କରି ତାକୁ ଡାକୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଚାଲାକ୍ ଥିଲା, ସେ ଗଧିଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର କଥାକୁ ସେ ନ ମାନି ତାର ଗାତ ଭିତରେ ରହିଲା ଆଉ ତା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକୁଛି କି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକୁଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି ବୋଲି ତା କଥାରେ ତୁମେ ପଳେଇଯିବ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାର। ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ କି ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ସିଏ, କି ଭଳିଆ ପିଲା, ସବୁବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଏଇଠି ସରିଲା ଆଜିର ଏଇ ପୋଏମ୍, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଦି କ୍ରାବ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏ ପୋଏମ୍, ଏ ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ ଆର୍ ଏନ୍ ଆର୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ନମସ୍କାର।